राजधानी पटना के भाजपा कार्यालय पर कैलाशपति सभागार में बिहार के उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने जनता दरबार लगाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे उप मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगा हुआ है और बिहार से आए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी फरियाद को लेकर के, जिसे निष्पादन करने के लिए स्वयं तारकिशोर प्रसाद, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस जनता दरबार में बैठे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि राजधानी पटना के बीजेपी कार्यालय कैलाशपति सभागार की यह तस्वीर है, जहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले एक साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूंगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। देखिए, कई प्रकार की समस्याएं हैं, कहीं स्थानांतरण का मामला है, अलग अलग प्रकार के हैं, कोई जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला है, प्राथमिकी दर्ज है तो उसके अभियुक्त की गिरफ्तारी का मामला है, तो इसी तरह की चीज़ें हैं जो इसका समाधान हम कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जनता दरबार कर रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री जनता सहयोग कर रहे हैं, कैसे देखा जाए? नहीं, कैसे तो ये तो अच्छी बात है ना कि सरकार के सारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जन समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निदान कर रहे हैं, तो यही तो सरकार की क्रेडिबिलिटी है, तो अच्छी बात है। ये सारे मंत्री अपने अपने स्तर से जो आम लोगों की जो विषय है उससे जुड़े हुए सवाल को जो कहीं कहीं समाधान की ओर ले जा रहे हैं। सर, पेगासस मामले पे जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जांच की बात कही है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए असहज हो रहा है और अब आपके दूसरे सहयोगी जितन राम मांझी ने भी इसे गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। देखिए, ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ विषय है और केंद्र सरकार इस मामले को देख रही है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जातीय जनगणना पे भी नीतीश कुमार और मांझी का स्टैंड बिल्कुल आपसे उलट है। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कहा कि विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पारित हुआ है, अब बीजेपी उस पर कैसे मुकर सकती है? क्या लग रहा है कि सब कुछ गठबंधन में? देखिए, ये न भाजपा का सवाल है न अन्य दलों का सवाल है, यह सवाल सरकार के अपनी प्रक्रिया से या जनगणना का जो मापदंड है उससे जुड़ा हुआ विषय है। बिहार विधानसभा ने इस संबंध में 2 बार प्रस्ताव पारित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को देख रहे हैं और इसके पहले भी 1931 में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, बाद में फिर यह नहीं हो पाई। पिछली बार भी सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे हुआ था जिसमें कई प्रकार की विसंगतियाँ आई थी, उसके कारण जो विषय था वो उलझ कर रह गया। ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि भारत सरकार को करना है और वो भारत सरकार अपने ढंग से इसको पूछ रही है। सर, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इससे समाज में कोई तनाव नहीं होगा, केंद्र में के अलावा भी कई राज्यों के नेताओं ने प्रस्ताव भेजा है पार्टियों ने जातीय जनगणना पर, अब सरकार में इस पर विचार कर रही है, तो एक तरफ कई सारी पार्टियाँ आ गई है, तो सरकार तो देख ही रही है इस मामले को। मेरी ओर से कोई कहा गया क्या कि इसमें तनाव हो जाएगा? क्या गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है बीजेपी में, क्यों बिहार में, क्योंकि कल सम्राट चौधरी ने भी परसों जिस तरीके का बयान दिया था कि गठबंधन में काम करने में बहुत मुश्किलें पैदा होती हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत आसान नहीं। मैंने देखिए वो दूसरे संदर्भ में कुछ बातें कही थी, लग रहा है कि उनकी बातों को ठीक ढंग से वो नहीं आ पाया। गठबंधन का अपना एक काम करने का तरीका होता है और उसमें कई चीज़ें हैं, हर दल का अपना अपना विचार भी होता है, लेकिन जब हम एक न्यूनतम कार्यक्रम पर और साझा कार्यक्रम पर सरकार में हैं तो हम सब जो साझा कार्यक्रम है मोटे तौर पर उसी पर हम लोग सरकार को चलाते हैं, लगता है कि उसी संदर्भ में उन्होंने कुछ कहा। चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2024 में जेडीयू नेताओं के द्वारा
इसमें क्या दिक्कत है? पीएम मटेरियल है कि नहीं? बाकी वो दावेदार हैं। अरे हमारे पीएम और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बाद बाकी कौन क्या बयान में बोलते हैं, किस संदर्भ में बोलते हैं, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो लगता है कि आप सुन ही नहीं पाए। अच्छा, पेगासस मामले में राहुल गांधी का जो स्टैंड है वही स्टैंड नीतीश कुमार का है, आपके लिए ऑकवर्ड स्थिति नहीं है? देखिए, हमारे लिए यही स्थिति यही है कि केंद्र सरकार इसको इस पर जवाब दे चुका है और हमारी स्थिति वही है। नीतीश कुमार ओम प्रकाश चौटाला से मिलते हैं, झूठ नहीं माने जाते हैं, बीजेपी के सर कैसे देखती है बीजेपी? ये तो हमारे सरकार का कार्यक्रम नहीं है कि किनको किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, ये तो जिस कार्यक्रम हम सरकार में उसमें तो ये पंक्ति ये विषय ही नहीं है कि किनको किससे कहाँ मिलना है। हमसे भी हमारे विपक्षी मिलते रहते हैं, चलिए सरकार है तो स्वाभाविक है कि मंत्री हैं, बिहार चला रहे हैं तो कई ऐसे इश्यूज हैं जहां लोग हमसे भी मिलते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव से मिलने के बाद नीतीश कुमार का जो स्टैंड है वो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विरोधियों के चहेते बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से प्रगसस है, कास्ट सेंसस है, तमाम इश्यूज पे। देखिए, यह आपकी व्यक्तिगत दृष्टि है और किसी के व्यक्तिगत दृष्टि पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा का मौका।